स्टूडेंट जमात शशम उर्दू के साथ निशबाना लिए आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे टाइम पर। आज अखबार तुम्हें टॉपिक है दादा अबू की किताब लेक्चर नंबर 3 में। दादा अबू की किताब टॉपिक पढ़ने में तो लग रहा है दादा अबू की किताब कैसी होगी, कहानियाँ होंगी बहुत किस्से होंगे, लेकिन हम पढ़ के देखते हैं उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं दादा अबू की किताब जी। सफ़ा नंबर 98 पर आपका सबक है दादा अब्बू की किताब। ये दादा अब्बू की किताब एक तरह से उनके पोतों के आगे हाथ आ जाती है, वो देखते हैं कि उसमें दादा अब्बू ने क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह पे पुराने ज़माने में उनके लिहाज से पुराने ज़माने में किस तरह पढ़ाई होती थी और अब किस तरह पढ़ाई हो रही है, वो ज़माना ज़्यादा बेहतर था या ये ज़माना है, यानी हमें मशीनों से पढ़ना बेहतर है या जो हमारे उस्ताद होते हैं उनसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो देखते हैं 100 साल बाद बच्चे किस तरह पढ़ा करेंगे, ज़रा ये कहानी पढ़कर देखिए। तो ये खूबसूरत डब्बा कैसा है, ये डब्बा नहीं किताब है, किताब हाँ बहुत पुरानी किताब है। अच्छा क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ पहले किताबें कागज़ पर छपती थीं। कितना अरसा पहले, बहुत पुरानी बात है, दादा अब्बा के भी दादा अब्बा के ज़माने की। ये तो 2095 है ना, इस किताब पर 1985 लिखा है, 100 साल से भी 10 साल ज़्यादा हो गए है। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? मारिया तुम बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, वो जो 6 मंजिले नीचे तय खाना है ना, इसमें एक स्टोर है, दादा अब्बा ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्ज़े में रखी हुई है, इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि ये इनके दादा की किताब है। अच्छा हैरत है, ये तो कागज़ पर छपी हुई है, कागज़ पर प्लास्टिक का नहीं, अजब सा है, भद्दा भद्दा। हाँ दादा अब्बा के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे, मगर इसके हुर्स तो बिल्कुल खामोश है, ना हिलते हैं ना बोलते हैं। चाची ने मारिया के कहने पर गौर किया और किताब के औराक उलटने पलटने लगा। एक सफ़ा देखा तो उसके हुरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे जैसे कोई चुपचाप लेटा हो, ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और ना बोल चाल रहे थे। टीवी बुक तो ऐसी नहीं होती, इसके हुरूफ तो चलते हुए बोलते हैं। जाजी बोला, मारिया से जब्त ना हुआ, इसने हाँ जाजी को जचोड़ते हुए कहा, भाई सुनो तो, क्या इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती थी? एक बार पढ़ी और बेकार, हमारे कंप्यूटर टीम में तो 15-20 लाख किताबें होंगी और क्या, बल्कि ज़्यादा आ सकती हैं, एक हार्ड डिस्क में कई किताबें आ सकती हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप समझ में आया कि वही किताब, कंप्यूटर और किताब दोनों का मुआवजा, इस सबक में यही चीज़ बताई गई है, कंप्यूटर और किताब का मुआवजा। आज जो आने वाला साल होगा उसमें कंप्यूटर किस किस तरह हमें बताएगा और जो हमारी आज की किताबें हैं वो हमसे कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो जितना हमने पढ़ा है आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अब हम करेंगे इसके अल्फाज मायने। ठीक है देखें, दादा की किताब हमने जब लेसन पढ़ा, हमने नेक्स्ट हम पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। अब उसके हम अल्फाज मायने देखते हैं। पहला अल्फाज है स्टोर, यानी मायने है शफ़क़त मेहरबानी, भत्ता वसूलत बोझल वजनी भारी, हैरत ताजुब या हैरानी, और आप सफ़ार सफ़ोगे की जमा है। तो यह आपके अल्फाज मायने करने का दोबारा में बता देती हूँ कि सबसे पहले आप दादा अब्बू की किताब का टाइटल पेज बनाएंगे, फिर आप इसके अल्फाज मायने लिखेंगे। ठीक है, ये आपका और नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा इंशाल्लाह ताला उसमें आप सवालात खुद लिखेंगे जब लेसन पढ़ेंगे, और सवालात के जवाब इंशाल्लाह खुद लिखेंगे जब मैं पूरा लेसन पढ़ा दूँगी। और आप दिल लगा कर पढ़िएगा, और जब दिल लगा के पढ़ेंगे तो मेरे से पहले ही आप इसमें सवालात के जवाब टिक कर लेंगे इंशाल्लाह। दिल लगा के पढ़िए, अल्लाह हाफिज़।